Very good evening to all of you. Welcome back to your English class. बेटा एक बात बताओ, चलो आज थोड़ा सा हम लोग जो नहीं हुआ है उसकी दुनिया में चलते हैं. मीन्स अभी आपको नहीं पता है कि मैं क्या करवाने सोचने वाली हूँ. आपके सामने ऐसी स्थिति नहीं हुई है. कैसी स्थिति? सपोज सोचो, इमेजिन आप बीच में गए हो, समुद्र के किनारे, और अचानक आपसे भी हाइटेड, बड़े बड़े बिल्डिंग से भी हाइटेड, स्काई कैपर जो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें रहते उससे भी हाइटेड अगर समुद्र की लहरें आ जाए तब आप क्या करोगे? यस, समुद्र की लहरें. आपने कभी देखा है या कभी सपने में भी सोचा है? नहीं ना. बट यस, इन दिस चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस सुनामी. यस, लर्न अबाउट सुनामी. ये जो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें होती है ना, जो लाइफ को पूरी डिस्ट्रॉय कर देती है, इसको बोलते हैं सुनामी. सो योर लेसन नंबर टू इज सुनामी, द सुनामी. अब पूछोगे, मैडम आपने यहाँ पे टी लिखा है तो ये टी सुनामी होता है? नो, टी ऑलवेज विल बी साइलेंट. टी जो है वो हमेशा साइलेंट रहता है. ओके, तो ये तो चले गए हम वो सपनों की दुनिया में, आसमान से छूटे लहरों को देखने. क्या आप देखते देखते उसको जिंदा रह पाओगे? नो, वो आपको कब बहा के लेके चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे एक लड़की वहां पे एक न्यू ईयर मनाने गए थे तो कैसे सबकी जान बचाई और कैसे क्या हुआ, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर, आई वॉन्ट टू टेल यू सम फ्यू पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट, सुनामी अकर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ सीरिया ओवर 4000 ईयर अगो. 4000 साल पहले पहली सुनामी आई थी दुनिया में. 4000 साल मतलब तब तो हम तो क्या कोई भी नहीं रहा होगा, तब सोचो क्या किए होंगे. उसके बाद 2004 में 26 दिसंबर 2004 मतलब क्रिसमस के जस्ट दूसरे दिन, सोचो कितने लोग समुद्र के किनारे बीचेस में गए होंगे ना पार्टी करने, आपके न्यू ईयर सेलिब्रेट करने. तो जस्ट 26 दिसंबर 2004 को एक और सुनामी आई, जो कि क्यों आया था? इंडियन ओशन अर्थक्वेक, मतलब इंडियन ओशन जो है हमारे सदर्न पार्ट में जो इंडियन ओशन है उसमें अर्थक्वेक आया था 9.1 किलोमीटर पर सेकंड. तो आपका आप सोच सकते हो कितना जोर से अर्थक्वेक हुआ होगा. और अर्थक्वेक होने के कारण जो लहरें है वो ऊपर ऊपर इंडोनेशिया के पूरे शहर इवन इंडिया तक को कैप्चर किया था. 2 लाख से ज्यादा लोग खत्म हो चुके थे सिर्फ और सिर्फ सुनामी के कारण. समझे सुनामी कितना खतरनाक होता है? अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं सुनामी के बारे में. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हियर वी गो, लेट गेट स्टार्ट. सुनामी, देखिए सुनामी ऐसी वेव्स होती हैं जो कि समुद्र में से उठती हैं और बहुत ही ज़्यादा वो तबाही मचा सकती हैं अगर उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो. तो ये समुद्र में भूकंप की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से जो है वो हो सकती हैं. तो ये समुद्री इलाकों में ये जो सुनामी है वो सिर्फ ओशन वाला जो एरिया होता है, समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पर ये आ सकती है और ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती है. इसमें क्या होता है, जो समुद्र की जो लहरें हैं ना,
समुद्र का जो पानी होता है वो आगे बढ़ता है जनरली, मगर जब सुनामी आने वाली होती है तो एकदम से पीछे की तरफ जाता है, और जो इसकी समुद्र की लहर बहुत ही ऊंची उठती है, बहुत ही ज़्यादा हाइट, 90-90 मीटर्स तक की हाइट तक ऊपर उठ के फिर ये बहुत ही तेज़ी से ज़मीन पर गिरती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ये फैलाती है। तो इसमें हमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ के बारे में बताया गया है जो सुनामी के डिस्ट्रक्शन की हैं, कि सुनामी आई तो किस तरीके से लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं हुई वो बताया गया है। तो सुनामी क्या होती है, एक बहुत ही लार्ज और बहुत ही पावरफुल वेव होती है जो अर्थक्वेक की वजह से, जब सी में, जो सी या ओशन में अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड आता है उसकी वजह से होती है। 26 दिसंबर 2004 में सुनामी जो है थाईलैंड में आई थी और इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में, जैसे कि अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के कोस्ट में आई थी। इसमें स्टोरी हम पढ़ेंगे करेज की। करेज का मतलब होता है साहस, साहस की और सर्वाइवल की। जो लोग बच पाए उनकी हमें कहानियाँ जानने को मिली हैं, वही हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है अंडमान और निकोबार आर्किपेलागो। देखिए, आर्किपेलागो होते हैं बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है जो कि सी में होता है। कई सारे आइलैंड्स मिल करके एक आर्किपेलागो बनाते हैं। आइलैंड्स क्या होते हैं, ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको आइलैंड बोलते हैं। तो समुद्रों में आइलैंड्स पाए जाते हैं। हिंदी में आइलैंड को बोलते हैं हम टापू। तो इग्नेशियस इंसान एक व्यक्ति का नाम है जो कि मैनेजर थे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कच्छल में, एक कच्छल जगह है वहाँ पर। तो सुबह के 6 बजे उनकी वाइफ ने उन्हें उठाया, क्योंकि उनको लगा था, उनकी वाइफ को, कि अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप आ गया है। इग्नेशियस जो है उन्होंने बहुत ही ध्यान से टीवी जो है वो नीचे की तरफ ज़मीन पर रख दिया, ताकि जो है टीवी ज़मीन पर गिरने के बाद टूट ना जाए। फिर उनकी फैमिली जो है रश आउट ऑफ द हाउस, पूरी की पूरी उनकी फैमिली जो है वो रश आउट मतलब एकदम फटाफट से बाहर निकल गई घर के। तो व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप दे सॉ द सी राइजिंग। तो जैसे कि ट्रेमर्स मतलब, जो ट्रेमर का मतलब होता है जो हिलना, ज़मीन का हिलना जब बंद हुआ, तब उन्होंने देखा कि जो समुद्र है उस वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। चाओस एंड कन्फ्यूजन, इन द चाओस एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रश्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये सब देख करके चाओस मतलब कंप्लीट डिसऑर्डर, जिसमें कुछ पता ना लगे कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, इस तरीके की कंडीशन थी। तो जो ये थे इग्नेशियस, इनके जो दोनों बच्चे थे, एक ने अपने मामा का हाथ, मदर्स फादर मतलब, मदर्स फादर मतलब नाना, मदर्स ब्रदर मतलब मामा, उन दोनों के हाथ पकड़े और अलग अलग दिशाओं में चले गए। ही नेवर सॉ देम अगैन। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो वेप्ट अवे। ओनली 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सर्वाइव। तो वो दोनों बच्चे जो अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ के अलग अलग दिशाओं में चले गए थे, वो पानी में बह गए और वो वापस उन्हें कभी नहीं मिले इग्नेशियस को। और इग्नेशियस की जो वाइफ थी वो भी, इस जो घटना हुई थी इसमें उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। 3 उनके जो बच्चे थे जो खुद इग्नेशियस के साथ थे, सिर्फ वही बच पाए थे। फिर एक तो ये इग्नेशियस की स्टोरी है। फिर एक और स्टोरी हमें सुनामी की इसमें आगे बताते हैं, कच्छल आइलैंड की। ये वाली भी कच्छल आइलैंड की थी, और अब ये जो संजीव जो एक पुलिसमैन है, इनकी स्टोरी भी जो है एक कच्छल आइलैंड की है। कच्छल आइलैंड निकोबार ग्रुप में जो है वो पढ़ते हैं। तो जो ये संजीव थे, इन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया खुद को बचाना, अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को। फिर वेव से इन्होंने खुद को बचा लिया था। फिर तभी उन्होंने आवाज़ सुनी हेल्प की, किसकी, जो जॉन थे, जो उनके गेस्ट हाउस के कुक थे, और जॉन की वाइफ की आवाज़ सुनी कि उनको वो बचा ले। तो संजीव जो है उनको मदद करने के लिए पानी में कूदे, उनको बचाने के लिए। बट वो दोनों जो थे वो वहाँ से मतलब डूब चुके थे और उनको वो नहीं बचा पाए थे। तो ये थी संजीव की कहानी। अब 13-year-old मेघना जो थी वो भी जो है बह गई थी स्वेप्ट अवे मतलब पानी में, अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। तो इसमें मेघना की स्टोरी है कि वो बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ और 77 और लोग थे, और उन्होंने लगभग 2 दिन जो है वो ऐसे ही सी में बहते बहते गुजारे। उन्होंने क्या किया था, जो मेघना थी इन्होंने एक वुडन का पट्टा सा था कुछ, जैसे कि लकड़ी कुछ थी, उसको पकड़ लिया था। कई बार रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आए, इसमें बता रहे कि 11 टाइम्स
उन्होंने मेघना ने देखा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। रेस्क्यू या फिर रिलीफ हेलीकॉप्टर का मतलब है जो हेलीकॉप्टर लोगों को बचाने के लिए आए थे वो उनके सर के ऊपर से निकल गए, मगर हेलीकॉप्टर उनको देख नहीं पाए। फिर किसी तरह जो है फिर वो कुछ टाइम बाद जब उन्होंने देखा, जब वो उनका होश आया उनको, तो वो समुद्र के किनारे पे उन्होंने खुद को पड़ा हुआ पाया था। फिर एक और कहानी है अलमाज जावेद की। वो 10 ईयर्स ओल्ड थे, वो एक स्टूडेंट थे कारमेल कॉन्वेंट में और पोर्ट ब्लेयर में। वो अपने उनके फादर का वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल पंप था। उनकी मदर रहला जो थी वो कहाँ की थी, नानकौरी आइलैंड की, और उनकी फैमिली जो है वहाँ पर गई थी सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस। तो नानकौरी आइलैंड में वो लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे, ये अलमाज जावेद जो है। फिर जब ट्रेमर्स जो है, ट्रेमर्स मतलब वही जो भूकंप के झटके जो है मॉर्निंग में फील हुए थे, तब उनके जो परिवार था वो सो रहा था। अलमा के फादर ने देखा कि जो सी का पानी है वो रिसीट हो रहा है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। तब उनको समझ में आ गया कि ये अभी पीछे की तरफ जा रहा है, फिर पूरी फोर्स के साथ वापस आएगा। उन्होंने सब लोगों को कहा कि जल्दी जल्दी चलो और सेफ प्लेस पर पहुँच जाओ। उनके ग्रैंड फादर जो है वो भाग रहे थे, मगर उनके जोर पर बहुत ही उनके सर पर काफ़ी तेज से जो सुनामी की लहर थी वो आकर पड़ी और वो वहीं पर गिर गए। उनके जो फादर हैं, ये जिनकी बात करें अलमाज जावेद, उनके फादर हेल्प करने के लिए गए फिर, मगर जो है एकदम से बहुत ही बड़ी वेव सी आई, समुद्र की जो लहर है वो आई और उन सबको बहा करके ले गई। अलमा की जो मदर थी और उनकी आंट थी, उनकी आंटी और उनकी मदर ने अलमा की जो थी एक पेड़ को बहुत ही कोकोनट के पेड़ को बहुत तेज़ी से पकड़ रखा था, और जब उन्होंने देखा वो अलमा को वो बुला रहे थे, मगर वो पेड़ भी उखड़ गया उस पानी की लहर से और उनकी माँ, उनकी मदर और उनकी आंट जो है वो सारी बह गए। अलमा को दिखा एक वुड लॉग, मतलब उधर लकड़ी का एक पट्टा जैसा दिखा, तो अलमा ने उसको पकड़ लिया और फिर वो मतलब बेहोश हो गए उसके बाद। फिर अगले दिन उन्होंने खुद को पाया एक हॉस्पिटल में कमोरता के। फिर अगले ही दिन जब उनकी मतलब नींद खुली तो उन्होंने खुद को कमोरता के हॉस्पिटल में पाया, जहाँ पर मतलब उनको लाया गया था, मतलब पोर्ट ब्लेयर में। फिर लिटिल जो ये हैं अलमाज जावेद, ये बिल्कुल भी जो पूरा इंसिडेंट है इसके बारे में इन्हें बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अब भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शॉक में होना, तो ये अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं, इसलिए इस इंसिडेंट के बारे में जो है बात करना इन्हें आज भी पसंद नहीं है। फिर अब इसका सेकेंड पार्ट जो है वो देखते हैं। ये सेकेंड पार्ट जो है एक क्ली स्मिथ की कहानी है, स्टोरी जो है इसमें, ये एक ब्रिटिश गर्ल है जिन्होंने काफ़ी सारे लोगों को, अपनी भी जान बचाई और काफ़ी और भी सारे लोगों की जान बचाई सुनामी से, जो कि फुकेट बीच पर आई थी थाईलैंड में, और इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स वगैरह मिल चुके हैं इस चीज़ के लिए। तो इसमें है कि जब ये थाईलैंड गए थे तब इनकी स्टोरी, ये थी इंग्लैंड की, मगर ये थाईलैंड घूमने के लिए गए हुए थे उस टाइम पर, वहाँ पर सुनामी वेव्स आई थी। तो स्मिथ फैमिली जो थी पूरी, टिली स्मिथ और इनके पेरेंट्स वगैरह सब साउथ ईस्ट इंग्लैंड के रहने वाले थे, और क्रिसमस मनाने के लिए ये लोग थाईलैंड गए हुए थे। टिली स्मिथ जो थी तब वो 10 साल की एक स्कूल गर्ल थी, और उनकी सिस्टर जो थी वो 7 ईयर्स की थी, और उनके पेरेंट्स पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। 26 दिसंबर 2004 जो है डेडली सुनामी वेव्स ने अटैक किया, मतलब हिट किया थाईलैंड के सी बीचेस को, तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव, बहुत ही तेज़ अर्थक्वेक आया था उससे ही पहले सुमात्रा में, सुबह के टाइम पे। सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया में पड़ता है, और सुमात्रा के काफ़ी पास थाईलैंड जो है वो पड़ता है, वहाँ पर सुमात्रा में काफ़ी तेज़ अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से सुनामी वेव्स जनरेट हुई थी। तो वाटर जो है वो स्वेल हो रहा था, मतलब ऊपर की तरफ उठ रहा था और दिख रहा था। तो पेनी को अपना जो याद आया एक लेसन, पेनी जब मतलब छोटी थी वो वहाँ पर खेल रही थी, उसको एकदम से जो है पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पेनी स्मिथ जो थे वो इनके टिली स्मिथ के फादर फादर थे, जो बच्ची के बारे में जिसमें बता रहे टिली स्मिथ ने सबकी जान बचाई, तो पेनी जो है वो टिली के फादर थे। तो पहली बता पेनी बताते हैं कि उन्हें कुछ मतलब अच्छे से याद है कि जो बीच था वो ऐसा लग रहा था जैसे छोटा और छोटा हुए जा रहा है, और पेनी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, पेनी जो है ना वो टिली के फादर हैं।
तो पेनी ने बताया कि उनको याद है कि बीच उनको ऐसा लगा था जैसे छोटा होता जा रहा हो और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मगर जो टिली स्मिथ थी उन्होंने ये समझ लिया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनको याद आया था अपना ज्योग्राफी का लेसन जो कि उन्होंने इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था, जिस तो मतलब थाईलैंड आई थी ना उससे 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा था इस टाइप के इंसिडेंट के बारे में। टिली ने देखा कि जो सी है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है और फोम बबल जैसा जो है वो फॉर्म हो रहा है, वर्लपूल मतलब वो गोल 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 घूमता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। उन्होंने देखा, उन्हें एकदम से याद आया कि उन्होंने अपनी क्लास में ज्योग्राफी की क्लास में उन्होंने इसी तरीके का जो है एक वीडियो उन्हें दिखाया गया था जिसमें वो हवाई में 1946 में जो सुनामी आई थी बिल्कुल सेम पिक्चर थी जैसी अब उनके सामने उभर के आ रही थी, ऐसी ही वीडियो उन्होंने अपनी क्लास में भी देखी थी हवाइन आइलैंड्स की सुनामी की। उनके ज्योग्राफी के टीचर ने बुरा दिखाया था और बताया था कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक वॉल्केनो या फिर लैंडस्लाइड की वजह से आ सकता है। टिली ने क्या किया, बिल्कुल चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। वो अपनी फैमिली से सबसे कहने लगी कि वापस आ जाओ, बीच से दूर चले जाओ। उन्होंने अर्थक्वेक के बारे में बताया कि सी में अर्थक्वेक आया है और उसकी मम्मी को मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या कह रही है क्योंकि उसकी मदर को पता नहीं था, पेनी को भी नहीं पता था उसके फादर मदर को कि सुनामी होता क्या है। मगर उन्हें अपनी बेटी को कभी इतना फ्राइटेंड डरा हुआ नहीं देखा था तो उन्हें लगा कि हाँ भाई सच में कोई ना कोई सीरियस बात तो ज़रूर है। तो टिली के पेरेंट्स ने टिली को और उसकी बहन को बीच से दूर ले गए और चले गए स्विमिंग पूल, जो होटल का स्विमिंग पूल था ना उसके पास वो चले गए। नंबर ऑफ दूसरे टूरिस्ट भी इस वजह से क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये लोग भाग रहे हैं कि कुछ गलत होने वाला है, तो वो लोग भी वहाँ से उस बीच से हट के चले गए। फिर क्या हुआ, देन इट वॉज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम आई वॉज स्क्रीमिंग रन। तो फिर ऐसा लगा जैसे कि पूरा का पूरा सी उस बीच पर उतर करके आ गया हो और जो टिली थी वो बस यही बोले जा रही थी भागो भागो यहाँ से भागो। फिर जो फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, फिर जो फैमिली थी वो होटल के थर्ड फ्लोर पर जो है वो चली गई थी। बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। तो जो बिल्डिंग में चले गए थे तो सुनामी की वेव जो है वो मतलब होटल की बिल्डिंग तक भी 3 सुनामी की वेव्स के झटके पड़े थे आकर के, तब तो वो बच गए, अगर वो बीच पर होते तो वो नहीं बच पाते। स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैव बीन फोरवॉर्न्ड। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। फिर टिली की जो मतलब ज्योग्राफी की नॉलेज थी, उसने जो अपनी क्लास में अच्छे से पढ़ाई की थी, उसकी वजह से उसकी और उसकी फैमिली की और बहुत सारे टूरिस्ट की जो है जान वो बच पाई थी। तो देखिए आपको भी अपनी पढ़ाई ना बिल्कुल सीरियसली लेनी चाहिए। अभी आप सुनामी के बारे में पढ़ रहे हैं ना कि सुनामी में क्या होता है, सुनामी में ऐसा होता है जो सी वेव्स होती हैं, जो समुद्र होता है वो एकदम से पहले पीछे की तरफ वापस जाने लगता है, फिर जो वेव्स हैं ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, गोल गोल घूमती हैं और इतनी ऊँची उठने के बाद झटके से ऐसा होना, तो कभी तुरंत बीच से दूर हटके वापस कहीं और मतलब समुद्र से दूर चले जाना चाहिए क्योंकि वो सुनामी वेव्स होती हैं। अब इसका थर्ड पोर्शन है इस चैप्टर का, तो बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इन टू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन दे फ्लेड टू सेफ्टी। तो देखिए जानवरों को ना चाहे वो अर्थक्वेक हो या कोई भी नेचुरल कैलामिटी जब आने वाली होती है, प्राकृतिक आपदा जब आने वाली होती है, तो जानवरों को पहले ही पता लग जाता है। तो जानवर जो है वो खुद को बचाने के लिए किसी सेफ जगह पर पहुंचने लगते हैं। तो इसमें यही है कि जब ये जाइंट का मतलब बहुत बड़ी जो वेव्स थी, जो लहरें थी, जब इन्होंने टकराई थी आकर के श्रीलंका और इंडिया के कोस्ट से, उससे पहले ही डोमेस्टिक एनिमल जो पालतू जानवर थे वो ऐसा अजीब सा एक्ट करने लगे थे और सेफ जगह पर जाने लगे थे। जो विटनेस थे सारे के सारे उनके अकॉर्डिंग एलिफेंट्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया था, वो ऊंची ऊंची जगहों पर वहाँ से जाने लगे थे, और डॉग्स जो हैं वो मतलब बिल्कुल
बाहर जाना नहीं पसंद कर रहे थे, उनका था कि वो अंदर ही रहेंगे। फ्लेमिंगोज ने लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लेमिंगोज बर्ड होती हैं, लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया का मतलब होता है जो नीची नीचाई पर जो उनके अंडे देने की जो जगह होती है उसको उन्होंने बिल्कुल छोड़ सा दिया था। जू एनिमल्स जो हैं वो अपने पिंजरों में और शेल्टर्स की तरफ अंदर अंदर की तरफ भाग रहे थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है नोटिस की गई थी कि जानवर जो हैं उनको कैलामिटीज़ का पता लग जाता है और वो अपने बचाव में मतलब सेफ जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं ये बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके पास सिक्स्थ सेंस होता है और अर्थ में जो भी गड़बड़ी चल रही होती है, शेक होती है, उसका पता इन लोगों को, जानवरों को पहले ही पता लग जाता है। कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। तो जो एनिमल्स होते हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को सुन सकते हैं, तो अर्थ में जो वाइब्रेशन होती है, जो अर्थ हिल रही होती है, ये उसको समझ जाते हैं, और जो डेंजर आने वाला होता है ये उसको अप्रोचिंग डेंजर या फिर अप्रोचिंग डिजास्टर को ये लोग समझ जाते हैं और ह्यूमंस को भी ये रियलाइज करवा देते हैं कि क्या होने वाला है। तो मतलब आगे कहते हैं कि हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं, मगर ये फैक्ट तो पता है कि जाइंट वेव्स जो है जो आई थी इंडियन ओशन में, उसने 50,000 50,000 पीपल को जो है लगभग उनमें डेथ हो गई थी लोगों की, और वो भी बहुत सारी कंट्रीज में, मगर बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेथ। मगर इंसानों की तो लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, मगर बहुत ही कम जानवरों की इसमें डेथ हुई थी क्योंकि वो पहले ही सेफ जगहों पर अपना खुद चले गए थे। अलॉन्ग इंडियाज कुडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। तो वही कुडालोर कोस्ट पे जहाँ पे बहुत सारे हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी, वहीं पर जो गाय भैंस कुत्ते वगैरह होते हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा था, वो सेफ जगहों पर पहुँच गए थे। याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटंग गाला बीच इनसाइड द पार्क। मतलब बहुत सारे विजिटर्स, लगभग 60 विजिटर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई थी इस पार्क में, मगर कोई भी एनिमल का जो कैराकास वो नहीं मिला एक्सेप्ट टू वाटर बफेलोस। कैराकास मतलब होता है आप जो हड्डियों का ढांचा होता है ना उसको कैराकास बोलते हैं। तो एनिमल्स के कैराकास नहीं मिले थे, सिर्फ बहुत ही कम मिले थे, सिर्फ दो वाटर बफेलोज जो पानी में रहने वाली भैंसें होती हैं उनके कैराकास तो मतलब मिले थे, वरना किसी भी एनिमल की और डेथ नहीं हुई थी इसके अलावा। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व थ्री एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम द पटन गाला बीच। तो लगभग आधा घंटा पहले जो याला नेशनल पार्क में जब सुनामी आई थी, लोगों ने देखा था कि तीन जो हाथी हैं वो दूर भाग रहे हैं पटान गाला बीच से, मतलब वो समुद्र से दूर भाग रहे थे जो हाथी थे। श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले सेड हिज टू डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। और एक और थे जो श्रीलंका के एक इंसान थे, मतलब व्यक्ति थे वहाँ के, केले उनके जो दो डॉग्स थे वो डेली जाया करते थे बीच पर वॉक करने के लिए, मगर उस दिन वो नहीं गए थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग ही सेड, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। तो ये कहते हैं कि उस दिन उनके जो तो डॉग्स हैं वो बीच पर जाना जो कि बहुत पसंद करते थे, मगर उस पर्टिकुलर दिन वो वहाँ नहीं जाना चाहते थे और इस वजह से उनके डॉग्स की और उनकी खुद की लाइफ भी बच पाई थी। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। देखा आपने सुनामी कितनी खतरनाक होती है और सुनामी से कैसे बचा जाए। सुनामी आता है तो पहले कैसे सिम्टम्स दिखाते हैं ध्यान में रखिएगा, ताकि आप भी कल को भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आप बचा सको लोगों की जिंदगी और खुद की जिंदगी। ओके तभी बोलते हैं हर क्लास में जो लेसन्स पढ़ाए जाते हैं वो लेसन्स को एकदम ध्यान से सुना करो, कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। ओके ओके सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक वर्क वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।